नारी शक्ति के हाथों अगर अवार्ड मिलता है तो हमें तीन चार लाइनें याद आ रही हैं कि सिनेमा में तो ठीक है लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस के माध्यम से नारी शक्ति के बारे में जिस जिस तरीके का मनोरंजन किया जाता है, हमारा परसेप्शन नारी शक्ति के बारे में बिल्कुल अलग है। तो बोलते हैं कि जो पतन से बचा ले वो पत्नी, और जो हनन से बचा ले वो बहन, और जो सारी समस्याओं को देख खुल के चुनौती की अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पास आ वो माँ। और आपके बेसूत्री कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो दे वो सुपुत्री। तो बहुत अच्छा लगा कि एक माँ स्वरूप जो है शक्ति के हाथों ये अवार्ड मिला, ये हमारे लिए बहुत मीनिंग रखता है। और हम तो कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके आपके चेहरे पे लगातार जब तक जिंदा है तब तक हंसी की मुस्कुराते और ये फूलों की तरह आपके चेहरे हमेशा खिलते रहें हमें देखकर। तो जब आपके चेहरे हमें देखकर इस तरीके से खिलते हैं तो सोचिए हमारा अंदर क्या खिलता होगा, क्या गदगद होता है, हमारा 10 किलो खून बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी मुंबई ग्लोबल जो है अचीवर अवार्ड है, और इसमें सबको एक हौसला अफजाई के लिए जिस तरीके से सबके अलग अलग कार्यों के लिए जो है सबको सराहा जा रहा है, उनको अवार्ड के माध्यम से उनके काम को और ऊर्जा प्रदान की जा रही है, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तिवारी जी को बहुत ही ज़्यादा कि न्यू ईयर उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा हो और सब इसी तरीके से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलें, खूब इंजॉय करें, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। कुल जीवन में हमने थिएटर से लेकर हमेशा अपने साथ प्रयोग करने की कोशिश की, और अब जिस तरीके से क्योंकि 15 साल काम करने के बाद एक मन को भी सुख मिले इस तरीके से सिनेमा करना चाह रहा था, अब वो सिनेमा करने को मिल रहा है और बहुत अच्छा मतलब अगला साल बीतेगा। और जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत खुश हूँ, अच्छी प्रोग्रेस है जी।